परिश्रम करने वालों को सफलता मिलती है, इससे ये आज सीख मिली है। सुप्रभात दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और आज है नेक्स्ट डे, बन रहा है नाश्ता, बन गया है नाश्ता। क्या बनाया यार? कटहल की सब्जी पापा ने बनाई है और पराठे बने हैं, रोटी बनी हुई है। पराठे तो पापा की फरमाइश से बनी हुई है। और इधर नहीं खाएंगे हम लोग, तो रोटी भी खा लेते लेकिन पराठे, पापा का मन था कि कटहल की सब्जी के साथ में पराठे खाए जाएं, तो हम लोग तो रोटी भी खा लेते पराठे बन गए। मम्मी ने सबके लिए पराठे बना दिए, अभी कल ही पराठे खाए थे हम लोगों ने। गोरे लग रहे हैं अभी, गोरे तो लगे क्योंकि अभी कल पराठे खाए हम लोगों ने, आलू भर पराठे, और शाम को सैंडविच खाई है यहाँ पर। लेकिन कटहल के साथ में तो पराठे अच्छे लगते हैं। मौसम बहुत ही अच्छा है, बारिश तो कल से हो रही है लेकिन शाम को बंद हो गई थी, उसके बाद रात भर पूरी बारिश होती रही है और अभी भी हो रही थी, अब बंद हो गई है। मौसम दिखाते हैं, मौसम है सुहाना। हाय, इनको दिया कुछ? इनको कुछ दिया? रोटी उठी थी सोनल, ये सब खा रही है। मम्मी बुलाती है सुबह, हाँ। तो मम्मी बुलाती है ना, क्या बुलाती है? कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? ये डेली आती है, मम्मी को बुलाती है, मम्मी ने रोटी इनको दी है। अब जाओ, मम्मी गई अंदर, जाओ जाओ, बाय बाय। ये है बाहर का मौसम, काफी अच्छा और ठंडा ठंडा सा है। जाओ, बाय बाय। और आज मम्मी को ऑफिस जाना है ना मम्मी, आज ऑफिस जाना है। कल छुट्टी है, फिर ऑफिस, फिर छुट्टी, एक दिन ऑफिस, एक दिन छुट्टी, एक दिन ऑफिस, एक दिन छुट्टी। तो चलिए नाश्ता कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है? बाय। ये देखो यार, अब जाओ, मिल तो चुका है बेटा। मम्मी क्या ले रही हो? ग्लूकॉन डी। तो मम्मी ऑफिस के लिए रेडी हो गई हैं और आज हम लोग जाएंगे मम्मी को ऑफिस छोड़ने के लिए। कोयल बोल रही है, और कोयल दिख नहीं रही है कहाँ बैठी हुई है, नीम के पेड़ पे बैठी हुई है लेकिन दिख नहीं रही है। सैंकी चलोगी मम्मा को छोड़ने? सैंकी चलो, आज नौ भ्रमण करके आते हम लोग। मम्मी बाय। मास्क लगा ले, सैनिटाइजर ले लिया? सैनिटाइजर तो नहीं है, ये जो ड्रेसिंग वाली मेरी। पानी नहीं निकल रहा गंदगी। सैंकी भी जा रही मम्मा को छोड़ने, है ना सैंकी? हाँ जाओ, उनको रास्ता चाहिए, बस बाहर निकलने। इधर आओ, इधर आओ, खुद जाओ इधर। बहुत इधर है ना अभी? घर आ गए, घूमी करके आ गए। मम्मी को अभी हम लोग छोड़ के आ गए हैं ऑफिस, और सैंकी
ये देखिए, हाँ सैंकी भी गई थी। हाँ और वीडियो एडिट कर रही हूँ मैं कल वाला। और इधर ये देखिए, ये आ गई है मोबाइल पे, सब अपने अपने काम पे लग गए हैं। तो चलिए थोड़ा सा काम कर लेते हैं, वीडियो एडिट कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं, ठीक है। ये देखिए उनका घर है, छोटा, ये इनका छोटा सा घर है। सैंकी, बारिश फिर होने लगी है और लगातार होती जा रही है। मम्मी को ऑफिस से लेने के लिए गाड़ी से जाना पड़ेगा क्योंकि बारिश हो रही है, और हो सकेगा तो हम लोग फिर से चलेंगे, है ना सरन? तो मजा दे, बाहर का वेदर थोड़ा सा इंजॉय कर लेंगे। और अभी भूख लग रही है, लंच करने का टाइम हो गया है। एक वीडियो एडिट कर रही थी, उसे मैंने पोस्ट कर दिया है, हो रहा है अपने दूसरे वाले मोबाइल पे। और फेस से कितना ऑयल निकल रहा है क्योंकि वेदर ऐसा हो गया ना, स्टिकी स्टिकी सा। हेलो, लंच टाइम हो गया है, खाना खाते हैं। और सुबह जैसे दिखाया था मैंने आपको, कटहल की सब्जी बनी थी, और कल ये कटहल मैंने काट के रखे हुए थे, और आज पापा ने बनाई है कटहल की सब्जी, बहुत ही ज्यादा टेस्टी। तो बस ये कटहल और रोटी, दाल भी है, तो कल की दाल भी रखी हुई है। तो ये ब्लैक ब्लैक इसलिए दिख रही है क्योंकि ये लोहे की कढ़ाई में बनी हुई है, अच्छा होता है लोहे की कढ़ाई में बना हुआ। ठीक है, हमने बोला पापा को क्या दे, पराठे पापा को। तो ये खाना निकल गया है, दाल इधर गर्म हो रही है, मैं सिर्फ रोटी और सब्जी खाऊंगी, बस दाल नहीं लूंगी। ये पापा का खाना चेक करने, तो बचा दिया तो पापा, पापा सब्जी बहुत बढ़िया बनी थी, सब्जी बहुत बढ़िया बनी, जो भी कहते हैं। पापा के हाथों में जादू है। ये देखिए, मास्क लगा के चाय पीने जा रही है, और मम्मी को जाने वाले थे हम लोग लेने के लिए, लेकिन नहीं गए क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। अभी इनको ये चौंक गई है, क्या हो गया था कुछ नहीं, पता नहीं क्यों आंखें दर्द हो रही थी। पार्ले जी और नाश्ता आज हम लोग का देखिए क्या है। पार्ले जी, ये नमकीन है, और ये छोटे वाले समोसे, और एक चीज और है जो हम लोग बचपन में हमेशा खाते थे, ब्रेड और मलाई, ये भी खाते थे वो, तो अभी भी खाते हैं। और ब्रेड और मलाई अभी हम लोग खाएंगे चाय के साथ में। समोसा छोटे वाले, इसमें पापा दाल भरी रहती है ना, दाल भरे समोसे है ये छोटे वाले नमकीन समोसे। इसका यूनिक शेप है, पीछे से इतनी बेकार किस्मत देखी है, अभी तक मेरी एक भी गोटी नहीं खुली है, ये देखो इतनी बेकार किस्मत, सबकी खुल गई है, हम अभी बस यहीं पे लटके हुए हैं। थैंक गॉड, अरे वाह, जैकपॉट लग गया। इसे कहते हैं हार के जीतने वाले को सिकंदर, इतनी काटी मेरी गोटी, दिखा दो, काटी है,
मम्मी भी जीती है, मम्मी सेकंड नंबर पे है। इतनी गोटी काटी है मेरी, मेरी अभी दो गोटी बाकी है। और मतलब हम कितनी बार कटे हैं कि हम ही जानते हैं, हम ही सबसे ज्यादा काटते हैं। किसी की दो चली गई अंदर, किसी की एक चली गई, मेरी एक भी नहीं गई थी और लास्ट में आखिर फर्स्ट में आई। ये मम्मी भी आई है ना, क्योंकि मम्मी की भी हम कितनी काटी। मम्मी सेकंड आई है, मतलब इन दोनों ने मिलकर मुझे और मम्मी को बहुत काटा। जैसे ही घर से बाहर निकले वैसे ही उड़ा ली। तुम दोनों की स्ट्रगल की कहानी है इन दोनों की। इसकी हमने बहुत काटी और मम्मी की हम दोनों ने दो चली गई थी और दो जाने नहीं दे रहे थे। बहुत काटा, बहुत ज्यादा था। आसी हम दोनों सही। चलो भैया पापा आ गए, हमने भी काटी है, हमको जितने जिसने काटी उतनी है, हमने काटी हुई है बराबर। पापा आगे कह रहे खाना, चलो खाना। वो 9:30 हो गया, 9:30 बज गया ना, इसलिए और लाइट भी चली गई, इसलिए पापा मूवी देख रहे थे। तो लॉकडाउन का हम लोग ऐसी मजा ले रहे हैं। इधर लूडो चल रहा था, टीवी चल रही थी। ऐसी चलो गेट खोल दे, अब ये जा रही घर। बाय बाय, बाय बाय सबको। बड़ा यार सच में, मतलब मेरा तो उम्मीद ही नहीं थी कि हम जीतेंगे, फर्स्ट आएंगे, बिल्कुल उम्मीद नहीं। लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। बाय बाय, गुड नाइट। तो अभी डिनर का टाइम हो गया है, डिनर करेंगे। परिश्रम करने वालों को सफलता मिलती है, इससे यह सीख मिली है ना। तो चलिए अब डिनर करते हैं और इसी के साथ में आज के ब्लॉग को यही विराम देते हैं। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ में। और यदि वीडियो कहीं भी पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। और यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और यदि मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, बाय।